वक्त मौजूद है हम ब्रिटी बटपुरा में, और आपको बता दूं कि नजीर वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है और इसमें करीबन इनके 20 मेंबर है जो नौजवान लड़के हैं जिनकी एज 18 से लेके ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल की होगी। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि आज के नौजवान ज्यादातर ड्रग की तरफ मुबतला हो गए, मगर आज के इस दौर में ये एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं और जो मेम्बरान है वो भी काम कर रहे हैं, और इनका जो मेन मोटिव है एक तो ये है कि एक तो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और खासकर जो गरीब लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं, चाहे मेडिसिन की सूरत में, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी का एक एम्बुलेंस भी रखी है, वो 24 घंटे लोगों के लिए होती है, कभी भी इनको कोई कॉल करता है तो ये हाजिर होते हैं। अब माह रमजान का पाक महीना चल रहा है तो आज ये इफ्तारी के लिए जितना भी अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पैकिंग हो रही है, ये डब्बों की पैकिंग हो रही है, ये खाना अभी सारा यहाँ पे पैक हो रहा है ये हॉस्पिटल के लिए, उसके बाद ये सप्लाई किया जाएगा और 6-7 बजे तक ये हॉस्पिटल तक पहुंचेगा। जितने भी वहां पे पेशेंट्स के साथ बाकी लोग होते हैं जो दूर से आते हैं, जो जो आज इस माह रमजान में पहुंच नहीं पाते अपने घरों तक, या खाना उन तक नहीं पहुंचता है, तो ये उन लोगों तक ये खाना मुहैया करवाते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है और हमें भी आगे आना चाहिए, इस एनजीओ की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी अभी अभी तक मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए जितने भी इनके पोस्टर्स देखे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे इन्होंने पिछले साल जब स्नोफॉल हुआ था तब भी इन्होंने मरगन टॉप में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद हमने देखा जब यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हुई थी पिछले साल ही, तब भी इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और कुछ ट्राइबल फैमिलीज को रेस्क्यू। हम नजीर वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ से है और ये एनजीओ हमने स्टार्ट की है 2 साल पहले, ये जानते हुए कि हम सोशल इश्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट करें, और इसमें हमने आज जो माह रमजान उल मुबारक का ये महीना चल रहा है इसमें हमने यही इनिशिएटिव लिया है कि इस महीने में हम ये काम करें, इफ्तारी का एहतमाम करें। तो बाकी हमारा जो मकसद है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम रेस्क्यू पे काम करते हैं, हम हेल्थ पे काम करते हैं और पॉवर्टी पे काम करें। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं और हमारे ऑलमोस्ट 20 मेंबर्स एक्टिव है और कुल मिला के वॉलंटियर्स के समेत हम 60 मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। जो है हमारे को जो जरूरत ज्यादा है वो चावल की है और पानी की है, तो मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा अगर किसी को डोनेट करना हो वो यहाँ नजीर वेलफेयर सोसाइटी के हेड ऑफिस में अपना जिंसी या नकदी कोई भी मामनत करने के लिए आए तो वो कर सकता है। मेरा नाम तौकीर रियाज है, मैं नजीर वेलफेयर सोसाइटी ब्रिंटी का एक मेंबर हूँ जी। हम ये काम कर रहे हैं इफ्तार पार्टी का, हम सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 बजे तक हम तैयार कर रहे हैं, तो फिर 4 बजे से हमारी पैकिंग जो है वो हो रही है, तो फिर हम हॉस्पिटल में ले रहे हैं। नौजवान का जिसमो कहा रहा तोल ये वारिया असल वारिया बेहतर, खास कर जैसे इफ्तार पार्टी आज कारण हस्पताल वादन तक चाह नादार आसन का गरीब आसन का मुफलिस आसन लाचार आसन का सुच तमिस बात में वादन कह चीज वादन सुच दर कर तमो दर बल्कि कुल इलाक कुल गांव कुल डिस्ट्रिक्ट दर कर ये ते हो तारीफ यो गई ये कारस कुल लग ये एन जी ओ स्टार्ट कर्ये तन पे आज बदलाव ये इलाक ये गामस में बदलाव वारे डिस्ट्रिक्ट में बदलाव वारे ये एडवर्टाइज गो ये उकन उकन गो हे फलन जाए एन जी ओ टाला फलन नौजवान फिर नौजवान ये मुझे बाको इलाक तो नौजवान शिरकत करें तो ये सारी जोग खास कर गो जिठन सपोर्ट पत्ती तमें पे नौजवान।